हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलर्ट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे के बारे में, साथ ही हम डिस्कशन करेंगे एस्ट्रोनॉमी वीक और एस्ट्रोनॉमी ईयर के बारे में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नॉलेजबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेट करा गया है 2 मई को। वैसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे हर साल 2 बार सेलिब्रेट कराया जाता है और वो डेट है 26 सितंबर और 2 मई। इस दिन पूरे वर्ल्ड में जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो प्लेनेटेरियम हो, म्यूजियम हो, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे पूरी दुनिया में एस्ट्रोनॉमी के लिए अवेयरनेस जागरूक हो और साथ ही एस्ट्रोनॉमी के लिए इंटरेस्ट भी पैदा हो सके। पहला इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 1973 में सेलिब्रेट करा गया था और इसकी शुरुआत करी थी एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के प्रेसिडेंट ने। उनका उद्देश्य था कि कैलिफोर्निया के जितने भी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर कुछ टेलीस्कोप पॉइंट्स को सेटअप करा जाए जिसके द्वारा जो आम जनता है वो भी एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाए और उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करे। शुरुआत में एस्ट्रोनॉमी डे यूनाइटेड स्टेट में ही सेलिब्रेट कराया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी दुनिया के बाकी भागों में ही फैल गया और अब ये पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कराया जाता है। नेशनल एस्ट्रोनॉमी वीक, ये एक ऐसा वीक है जिसमें एस्ट्रोनॉमी डे ऑलरेडी इंक्लूड रहता है और नेशनल एस्ट्रोनॉमी वीक यूनाइटेड किंगडम में सेलिब्रेट कराया जाता है। बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी की। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर करा था 2009 को। एक्चुअल में 2009 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, बिकॉज 2009 को गैलीलियो और केपलर के द्वारा जो खोजें करी गई थी या जो ऑब्जर्वेशन करी गई थी और उनको डॉक्यूमेंटेशन करा गया था 2009 को, उसको पूरे 400 साल हो चुके थे और 2009 को इस ऑब्जर्वेशन की 400वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई थी और इसके कारण ही 2009 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर करा गया था। 1609 में गैलीलियो ने पहली बार मून की सतह पर पहाड़ और जो क्रेटर थे उनके बारे में फाइंडिंग पता करी थी और उसके बाद ही स्पेस के बारे में पूरी दुनिया का जो नजरिया था वो चेंज हो गया था। बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 28 जुलाई 1919 की और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है साइंस को सेफ गार्ड करना, यानी कि साइंस के जितने भी मिशन हैं उनको सेफ गार्ड करना। IAU इंटरनेशनल साइंस ऑफ काउंसिल का एक मेंबर है, साथ ही इंडिया भी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक मेंबर है और इस यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है फ्रांस में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।